नमस्कार, न्यूज क्लिक में आपको मैं स्वागत कर रहा हूं। मैं परंजॉय गुहा ठाकुर था और आज मेरा साथ राजनीतिक विश्लेषक, लेखक, कॉलमनिस्ट, किताब लिखे हैं, मेरा पास है अतुल ठाकुर जी। और धन्यवाद। आज चर्चा का विषय है बिहार का विधानसभा चुनाव का नतीजा के बाद अभी नीतीश कुमार का राजनीतिक भविष्य क्या है। इस विषय के ऊपर हम बातचीत करेंगे अतुल जी से। अतुल, पहला सवाल है कि ये जो चुनाव जिसका नतीजा अब आ गया, सबके सामने है, इसकी आप किस नजरिया से आप देख रहे हैं? सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि मोदी जी का नाम में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम में 15 साल राज करने के बाद भी NDA का सरकार गठन हो रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है? या 31 साल का जो लालू प्रसाद यादव जी का जो बेटा तेजस्वी, वो किस तरह से आगे बढ़ा? और आपको पास तो आंकड़ा है विधानसभा में जी, राष्ट्रीय जनता दल जितने विधायक है भारतीय जनता पार्टी से एक ज्यादा है, 74-75, और वोट शेयर भी थोड़ा सा आगे है। ये महत्वपूर्ण है कि जो विरोधी दल है इतने आगे बढ़ पाया, और पूरा एक समय लग रहे थे कि एक तरफा होगा पूरा विधानसभा चुनाव का जो जो संघर्ष होता है, एक तरफा होगा, मगर एक समय लगे एकदम कांटे का टक्कर, और मंगलवार रात 12-1 बजे तक लोगों को पता नहीं यहां जाएगा या वहां जाएगा। तो आप किस नजरिया से ये पूरा विधानसभा चुनाव का नतीजा देख रहे हैं, और ये महत्वपूर्ण भारतवर्ष की राजनीति के लिए क्या है, और बिहार की राजनीति के बारे में, इस विषय के ऊपर आप पहले कहिए, उसके बाद हम नीतीश जी के बारे में बातचीत करेंगे। जी जी, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि तेजस्वी यादव ने एक पूरी नैरेटिव को चेंज किया बिहार के परिप्रेक्ष्य में। यदि हम देखें तो जो सोशल जस्टिस का वहां पे पॉलिटिक्स चलता आ रहा है जेपी मूवमेंट के बाद से, और उसके प्रणेता जो एक खास प्रणेता था, उनके पिताजी भी रहे हैं लालू यादव जी, जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लगभग 15 सालों तक बिहार के कमांड उनके पास में था। तेजस्वी यादव ने कैंपेन को एक पॉजिटिव शेप दिया। उन्होंने जो कास्ट इक्वेशन रहा था वहां पर, सोशल इंजीनियरिंग का एक कल्चर रहा है बिहार में, उससे हट के उन्होंने A to Z का एक फॉर्मूला बनाया जो बहुत ही पार्टिसिपेटरी नेचर का था। और तेजस्वी के कैंपेन का जो रिस्पॉन्स था बिहार में ग्रास रूट पे, वो अनप्रेसिडेंटेड था। जो एवरेज मतलब जो टर्नआउट थे उनके रैली में, वो लाखों में हुआ करते थे। यदि हम कंपैरिजन में देखें तो प्राइम मिनिस्टर या नीतीश कुमार जी, जो कि दोनों बहुत ही पॉपुलर फिगर्स हैं इंडियन पॉलिटिक्स में और बहुत बड़े जायंट हैं, उनके उनके उनकी सभाओं में थे, लोग नहीं आते थे, और वोकल सही में थे जो जो वोटर्स थे। और एक जनमानस में एक बात पूरी तरह से फैली हुई थी कि कोरोना ने बिहार की जो कंडीशन थी पहले से ही बहुत सी चीजों में पिछड़ी हुई थी, स्पेशली पब्लिक हेल्थ सिस्टम में, उसको एक्सपोज किया। फिर जो एक ट्रेंड रहा है एक्जोडस का, मतलब हाई रेट ऑफ माइग्रेशन का, अचानक रिवर्स माइग्रेशन हुआ, लोग विजुअल्स आए दिल्ली मुंबई से, लोग पैदल चलते हुए बिहार की तरफ। फिर नीतीश कुमार जी का जो अर्ली रिमार्क्स था उसको सही रूप से लोगों ने नहीं लिया, इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो कह रहे थे कि आप जहां हैं वहीं रुके हैं, बिहार में जगह नहीं। हालांकि उन्होंने बाद में बहुत सी चीजें करने की कोशिश की थी डैमेज कंट्रोल करने की, लेकिन लेट हो चुका था। तो ये सिर्फ एंटी इनकम्बेंसी नहीं था नीतीश जी को लेके, बल्कि एक एंगर था, वाइड स्प्रेड एंगर था। और अब साइलेंट वोटर्स की बात अभी प्राइम मिनिस्टर ने कही है, अभी उनकी सभा हुई थी कुछ देर पहले, और किसी स्टेट के बाई पोल इलेक्शंस के जीतने के बाद इतनी बड़ी सभा नहीं करते यदि बिहार का इलेक्शन साथ में नहीं हुआ होता तो। और कुछ पर्सनल एंगल भी है उनका नीतीश जी के साथ, 2010 में जो पंजाब में उनका एक्सपीरियंस रहा था, कुछ व्यक्तिगत चीजें उन्होंने कहा कि ये बिहार की जीत मतलब साधारण जीत नहीं है, जीत से भी आगे की कुछ जीत है ये, तो उसका कुछ व्यक्तिगत कारण हो सकता है उन दोनों के बीच में, कुछ दिनों के लिए अलग भी हुए थे। तो एक चीज और मैं कहूँ, नीतीश जी एक क्रॉस रोड पे है अभी,
और ये संभव नहीं था यदि तेजस्वी ने अपने कैंपेन को इम्पैक्टफुल नहीं बनाया होता तो। आपको मैं और रोक रहा हूं 2 मिनट के लिए अभी, क्योंकि ये नीतीश जी अभी क्या करेंगे, उनका राजनीतिक भविष्य क्या है, इस विषय के ऊपर मैं आपसे कुछ सवाल उठाऊंगा। मगर आप जहां कहा कि ये सचमुच एंटी इनकम्बेंसी सत्ता विरोधी एक माहौल नहीं था, एक तरह से लोग नीतीश जी के ऊपर नाराज बहुत थे, नाराजी थे, और आपने कारण भी दिखाया क्यों। और ये जो लोक जनशक्ति पार्टी, चिराग पासवान, जिस तरह से कम 25 विधानसभा सीट में जनता दल यूनाइटेड जदयू को हरा दिया, इसमें कोई दो राय नहीं है। सवाल यह है कि बार बार भारतीय जनता पार्टी बोला कि वो अपने आप जो करना है करे, चिराग पासवान बोला है मैं तो बहुत मोदी जी को समर्थन करता हूं, एक ही मिला। मगर ये जो चिराग पासवान का जो भूमिका था, क्या सचमुच अकेले अपने आप, क्या वो कह रहा कि मेरा पिताजी गुजर जाने के पहले ही कहा कि इस रास्ता से हमें आगे बढ़ना है, मगर सब लोग कहते हैं नहीं, भारतीय जनता पार्टी चाह रहे थे, बहुत सारे कारण हैं, मगर चाह रहे थे कि नीतीश कमजोर हो जाए और भारतीय जनता पार्टी ये गठबंधन में आगे बढ़ जाए। तो आप किस तरह से देख रहे चिराग पासवान का भूमिका? जी, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। कुछ हद तक आपके प्रश्न में एक उत्तर भी है कहीं ना कहीं से, क्योंकि चिराग के अकेले नहीं कर सकते थे ये चीज जो उन्होंने किया है, और बहुत बड़ा सेक्रीफाइस भी है एक तरह से उनके लिए। क्योंकि यदि वो किसी भी अलायंस के पार्टनर होते हैं, एनडीए या महागठबंधन के, तो उनका जो फिगर्स होता उनके साथ वो एक का नहीं होता, कम से कम डबल डिजिट में होता है एलजेपी का। क्योंकि एलजेपी का बिहार में अभी भी एक वोट बैंक है, वो सिर्फ उनके कोई कास्ट इक्वेशन के ही अंदर नहीं है, अक्रॉस अक्रॉस इवन की जो अपर कास्ट के लोग भी हैं वो भी वोट करते हैं उनको। रामविलास पासवान जी का एक स्टेचर रहा है इंडियन बिहार पॉलिटिक्स में, और 5 से 5.5 से 6% के आसपास में उनका वोट शेयर रहा है। इस इलेक्शन में भी वोट का शेयर उनका मतलब बहुत नीचे नहीं गिरा है, रिमार्केबल रिमार्केबल चीज है ये। लेकिन उनको उनको सीट में कन्वर्ट नहीं, कन्वर्जन रेट बहुत ही वीक रहा है उनका। तो उन्होंने एक तरह से अपने आप को सेक्रीफाइस किया, कर्ण के रोल में थे या कुछ कुछ समझ जैसे इंटरप्रेट करें उस चीज को। लेकिन उन्होंने बीजेपी का एक डीप रूटेड कॉम्प्लेक्स रहा है बिहार में कि दे कांट बी द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन द स्टेट। वो उनको पता है कि दे कांट मेक द गवर्नमेंट ऑन देयर ओन, अभी भी है ये चीज तो। हालांकि इस बार भी एक सीट ज्यादा है आरजेडी का, लेकिन वो एक सीट बाकी के 74 सीट से ज्यादा है। क्योंकि यदि बीजेपी का 75 होता और इनका यदि 74 होता, तो आज हो सकता है कि हम और ज्यादा जुबिलियंस देखते, और ज्यादा चीयरफुलनेस देखते बीजेपी कैंप में। तो साइकोलॉजिकली अभी भी वो एडवांटेज नहीं मिल पाया एलजेपी के लाख सपोर्ट के बाद, लेकिन नीतीश जी का जो एक स्टेचर था बिहार में वो निश्चित रूप से डिमिनिस्ड हुआ है इसके बाद। और मोरली देखें तो नीतीश जी को सीएम बनना टिनेबल नहीं है, अब बाकी उनके हाथ में है, और यही चिराग का एक ही गोल था पूरे इलेक्शन में। वो आज भी कह रहे हैं कि मैं बहुत खुश हूँ इस रिजल्ट से, और मैं नीतीश जी को सपोर्ट नहीं करूंगा अपने एक विधायक के साथ। अब इसका क्या मीनिंग है ये बताओ जी। अतुल जी, आप हम लोग जानते हैं कि नीतीश जी एक बार नहीं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बार, वो अने 7 बार अभी नहीं हुआ, 6 बार इन्होंने मुख्यमंत्री पद में शपथ ग्रहण किया। 2000 में 7 दिन के लिए, फिर 2005, 2010, 2013, 2015, 2017। अभी सवाल उठ रहे हैं कि नीतीश कुमार जी का क्या राजनीतिक भविष्य आप देख रहे हैं? आप उनका इतिहास जानते हैं, आप इस विषय के ऊपर आपने आपका लेख बहुत सारे आए हैं, वो कैसे शुरू किया था, आपने थोड़ा टिप्पणी भी किया, कई बार वो इंजीनियर साहब थे मगर वो सोशल इंजीनियरिंग, सामाजिक इंजीनियरिंग में सफल नहीं हो पाया। फिर भी उनका जो वो समाजवादी थे, समाजवादी अपने आप को कहते हैं, जयप्रकाश नारायण का आंदोलन, राम मनोहर लोहिया जी, कर्पूरी ठाकुर, सत्येंद्र नारायण सिन्हा, विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार में भी उन्होंने केंद्रीय मंत्री भी थे, कम समय के लिए मगर थे, आपातकालीन समय के पहले ही मीसा यानी कि मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट में उनको जेल जाना पड़ा, फिर आपातकालीन समय में उसको जेल जाना पड़ा। 1985 में एमएलए बना, एमपी बना 1989 में। फिर भी एक तरह से नीतीश कुमार जी को लोग कहते दल बदल, आप जानते हैं कि एक बार
लाल प्रसाद यादव जी के साथ, फिर उन्होंने छोड़ दिया, फिर भारतीय जनता के पार्टी के पास गए, वाजपेयी सरकार में भी आपको याद है उनका। तो नीतीश कुमार जी एक बार नहीं तीन बार आप कह सकते हैं एक तरह से दल बदल दिया था। मैं कुछ देर पहले वरिष्ठ राजनीति वैज्ञानिक सुहास पालशीकर जी से बात कर रहा था, उनको कहना यह है कि इतना बार उन्होंने अपने आप को कोशिश किया रीडिफाइन करने के लिए और अभी मौका उनके पास नहीं है, तो एक तरह से अपने एक जाल में वो आज फंसे हुए हैं कि वो मुख्यमंत्री बने और अगर बन भी गया कमजोर हो जाएंगे। इसमें तो खुद दो दो राय नहीं है, और आप अपने लेख में खुद लिखा है कि ही विल बिकम एंड ही एंड हिज पार्टी जदयू डीपली इनसिक्योर एंड एंशियस, असुरक्षित और अत्यंत चिंतित। क्यों आपने ये लिखा? मेरे हिसाब से ये नीतीश 3.0 की स्टार्ट होगी जो अब होने वाला है। एक नीतीश वो थे जो एक आइडियोलॉजिकल शेप में थे, बहुत ही मतलब प्रभावित करते थे लोगों को, बहुत ही आदरणीय थे, बिहार में बहुत रिस्पेक्ट था उनका, अभी भी है रिस्पेक्ट। एक उसके बाद उनकी इनिंग हुई, एक डिस्कम्फर्ट फील हुआ होगा, या हो सकता है कुछ और भी कंपल्सन होंगे जो कि पब्लिक डोमेन में नहीं है। 2017 में वो आरजेडी मतलब महागठबंधन को बीच में छोड़ते हुए बीजेपी से रीअलाइन हुए। उनके साथ ये दिक्कत कभी नहीं रही है बीजेपी के साथ अलाइन होना, क्योंकि जॉर्ज फर्नांडिस मतलब एनडीए के कन्वेनर रहे थे उस टाइम में, और आडवाणी जी को क्या सपोर्ट मिला है जॉर्ज फर्नांडिस से और एल के आडवाणी जी से, ये हम सभी को पता है। नहीं तो 90s में जो लालू यादव के शासन काल में जो संघर्ष था उसमें नीतीश जी कहीं से विपक्ष में नहीं बैठा करते थे, उस टाइम सुशील मोदी जी थे और बहुत सारे नेता, यशवंत सिन्हा जी थे उससे पहले। तो एक आश्चर्यजनक बात है कि ये मेंटल उनको क्यों, ये क्यों दिया गया उनको ये प्रभार कि आप लालू यादव जी को मतलब रिप्लेस कीजिए, और सो को मतलब जो गवर्नेंस का ये था स्ट्रक्चर बहुत पुअर था उन दिनों। तो मतलब नीतीश कुमार एक अकोमोडेटिव पॉलिटिशियन रहे हमेशा से, ये मैंने अभी हिंदू में या इसमें फर्स्ट पोस्ट में जो मैंने लिखा था कि ये इलेक्शन पूरी तरह से नीतीश कुमार के लिए था, उनके विरुद्ध था ये, और वो चार फ्रंट पे फाइट कर रहे थे। पहला फ्रंट उनका था जो उनके एलाई थे बीजेपी, उनसे था क्योंकि बीजेपी डिनायल मोड में थी एलजेपी को लेके। सेकंड फाइट उनका एलजेपी से था जो सबसे क्लोज फाइट था। थर्ड फाइट उनका अपोजिशन से था। फोर्थ फाइट उनके बिहार के एस्पिरेशनल जो जनता है स्पेशली यूथ उनसे था। तेजस्वी यादव का जो मैनिफेस्टो था बहुत ही प्रोग्रेसिव था, जिसे बहुत काफी प्रशंसा भी मिली है। 4.5 लाख नौकरी की उन्होंने मतलब विद इन 24 आवर्स में उन्होंने कहा था कि मैं बनते हुए करूंगा, बाकी 5.5 लाख एम्प्लॉयमेंट के लिए मैं अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करूंगा गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट। उन्होंने कंपेल किया एनडीए को कि 19 लाख के स्वरोजगार के मुद्दे को लाए उसमें। नीतीश जी इस इलेक्शन में एजेंडा से नहीं लड़ रहे थे, वो बस फेस वैल्यू को लेकर लड़ रहे थे। वो लास्ट में आपने देखा होगा पूर्णिया में उन्होंने कहा कि ये मेरा लास्ट इलेक्शन है, मैं रिटायर होना चाहता हूँ। 95 में भी उन्होंने जब समता पार्टी बनाया था तो उन्होंने कहा कि मैं बिहार में रहूंगा, जब उनको 7 सीट आया था पूर्व बिहार में और खुद जीते थे उस टाइम में, उस टाइम इलेक्शन लड़ा करते थे, अब तो इलेक्शन लड़ते नहीं है नीतीश जी। और उन्होंने कहा इसके बाद लेकिन तुरंत वो लोकसभा चले गए, इसके बाद फिर कुछ दिनों के बाद मंत्री बन गए एनडीए गवर्नमेंट में। उनका एक कहना रहा है हमेशा कि वो बीजेपी अलग थी जो बीजेपी वाजपेयी के दौरान थी। उनको बड़ा ही परहेज था 2010 में जब अपने पंजाब में एक रैली हुई थी तो नरेंद्र मोदी जी के साथ स्टेज पे कर रहे थे, वहां पे कुछ हुआ, फिर मतभेद आए, बहुत सी चीजें रिपोर्ट्स भी सामने आए। उनका कहना था कि मैं बीजेपी के साथ जीवन में नहीं मिलूंगा। तो उनके कहने का ये कि मैं रिटायर्ड हो रहा हूँ, बिहार के लोगों को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, भारत के लोगों पर भी नहीं पड़ा जो उनको जानते हैं ठीक से। तो अभी के टाइम वो एक क्रॉस रोड पे हैं और उनका भविष्य बहुत ही सुनहरा है दोनों तरहों से, क्योंकि उन्हें कोई एतराज नहीं है कि नए बीजेपी के साथ जाने में। दूसरा उनके पास एक बहुत ही ऑप्शन, अच्छा ऑप्शन है कि वो महागठबंधन को फिर से स्ट्रांग करे या एक अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स को मतलब फिर से एक शेप दे, क्योंकि 42-43 MLA को लेके चीफ मिनिस्टर बना बिहार जैसे स्टेट एक मिनट फिजिबल नहीं है जी। वो अपने दल के जो विधायक है मंत्री पद चाहेंगे, इसमें बार्गेनिंग होगा। और बात है ना, सब लोग कह रहे हैं कि देखिए नीतीश के साथ अभी ठीक है वो कुछ भी कर सकते हैं, मगर क्या सचमुच नीतीश जी एक राष्ट्र
नेशनल लेवल में राजनेता जो एक समय लोग सोच रहे थे वो चाह रहे बनना, वो नहीं बनेंगे, अभी सिर्फ बिहार में ही रहेंगे। और बहुत लोग का कहना है आज नहीं, 6 महीना के बाद, 1 साल के बाद, 1.5 साल के बाद क्या हो सकता है हमें भी मालूम नहीं है। जैसे हम आपको बता रहे थे सुहास पालशिकर जी जो राजनीति वैज्ञानिक है, उनका कहना है कि सचमुच बिहार का राजनीति में जो अस्थिरता पहले था वो शायद वापस भी आ सकते हैं। आप इस तरह से क्या भविष्यवाणी करने के लिए तैयार है? नहीं, आप सोच रहे कि ये जो नीतीश 0.3 एक स्थायी सरकार 5 साल के लिए चलेगा, कोई ज्यादा इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा? ये तो मुश्किल है 5 साल चलना, क्योंकि अभी से ही बीजेपी के भीतर से जो मतलब फूट पड़ चुकी है, जो बहुत सारे लोग वोकल हो रहे हैं, अभी वो नहीं आएंगे खुल के सामने में, क्योंकि फेस वैल्यू का मामला है। नीतीश जी का फेस वैल्यू अभी भी है, बाहर में भी है, लोग अभी भी उनको, उनका जो पहला 5 साल था बहुत ही अच्छा था बिहार में, कोई इसको डिनाई नहीं कर सकता है। 2005 से 2010 उन्होंने अच्छा किया, जो सबसे जो उनका नोटिसिएबल काम था वो सेंट्रल एड जो मिला, जो सेंट्रल से असिस्टेंस मिला उसको उन्होंने खर्च किया बिहार में, और इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉ एंड ऑर्डर, और एक चीज में मैं उनको क्रेडिट देना चाहूंगा, एनर्जी सेक्टर में रिफॉर्म करने के लिए ये उनका काम अच्छा रहा। प्रोहिबिशन किया उन्होंने, गलत तरीके से किया, जो स्मगलिंग को और ज्यादा प्रमोट कर रहा है वहां पे, लेकिन वुमेन एम्पावरमेंट का जी हाँ जी, आप बार बार उठाते, आप पंचायत में 50% जो आरक्षण है महिलाओं के लिए नीतीश जी ने शुरू किया बिहार में। आप ये भी भूलिए मत, बेटी के लिए सिर्फ शिक्षा नहीं, बिल्कुल साइकिल भी मिला, और बार बार वही सुशासन के बात आप बार बार तो कर रहे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, फिर भी वही वापस। आपने जैसे कहा ये सिर्फ सत्ता विरोधी एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, क्यों लोग इतने नाराज थे नीतीश जी के ऊपर 15 साल राज कर? नाराज इसलिए है कि नीतीश जी बेसिक्स को समझते हैं, जब डेवलपमेंट की बात आती है तो सुशासन मतलब इन कंपैरिजन, और उनका कंपैरिजन बेंचमार्क बहुत पुराना है, जो कि आउटडेटेड है, ऑब्सोलीट है। वो कंपैरिजन अपने फर्स्ट टेन्योर से देखें कैसे उनमें ग्रेजुअल डिक्लाइन आया उनके परफॉर्मेंस में। दूसरी दिक्कत रही उनकी, एक ग्रैंड विजन नहीं था उनको, कोई इकोनॉमिक प्लानिंग उन्होंने नहीं किया स्टेट के लिए, जो की सेक्टर्स थे मतलब एग्री फूड प्रोसेसिंग, डेयरी, हॉर्टिकल्चर, टूरिज्म, हेल्थ केयर, एजुकेशन, इन सब चीजों में बहुत बड़ा स्कोप था बिहार, जो उन्होंने नहीं किया। ब्रेन ड्रेन हो रहा है, रेवेन्यू ड्रेन हो रहा है, वहां से लोग पलायन कर रहे हैं अभी भी इस पैंडेमिक के टाइम में भी। तो नीतीश को लेकर वाइड स्प्रेड एंकर इसलिए था कि क्योंकि वो ग्रैंड विजन मिसिंग था लोगों के नजर में, और उनके उनका जो एक एक, एक, एक मतलब रेमिटेंस ड्रिवन इकोनॉमी हो गई है बिहार की, दो तरह के, एक तो जो इलीट है वो तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता वो किसी मोड में हो, लेकिन जो एक मतलब बड़ा पॉपुलेशन, एक सेगमेंट है, वो उनकी इकोनॉमी पूरी तरह से मनी ऑर्डर ड्रिवन है, वो उस सेक्शन का एंगर था इनको लेकर, नीतीश को लेकर। और जो इलीट्स हैं उनको ये प्रॉब्लम थी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का रेट बिल्कुल ही बिहार में नहीं बढ़ा है। अब ग्रोथ आप पूरा डेटा उठा के देखें तो प्राइमरी सेक्टर का डेटा इनका बढ़ा है, या सर्विस सेक्टर में मतलब ग्रोथ हुआ है बिहार में, सर्विस सेक्टर में भी बहुत, जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस, इन सब चीजों में। और जो भी इन्होंने जॉब्स क्रिएट किए वो कॉन्ट्रेक्चुअल नेचर के हैं, लोग खुश नहीं है उससे। और तेजस्वी का जो मतलब ये था, मतलब जो महा ओपोजिशन का जो एजेंडा था वो क्लियरली था कि कॉन्ट्रेक्चुअल कल्चर हम एंड करेंगे। सो मतलब उनका डायरेक्ट अप्रोच था, जहां जो लोग चाहते थे वो उनके एजेंडा का पार्ट था, जो एक ट्रस्ट था उनमें, जो ग्राउंड ट्रस्ट था उनमें। तो नीतीश कुमार से एंग्री होने का मौका ऑपोजिशन ने भी दिया, नीतीश जी का अपने तरफ से भी कोई कोशिश नहीं की गई कि वो डिफेंड करे। वो बार बार साइकिल बोल रहे थे कि राइफल की जगह पे साइकिल आया बिहार में। उनको ये बताना चाहिए था कि साइकिल चलना साइकिल से बड़ी बात, वहां पे लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ी हुई थी, लोग पीसफुल थे और काम कर रहे थे, स्कूल जा रहे थे, कॉलेज जा रहे थे, वो ठीक से मार्केट नहीं कर पाए अपने आप को। बीजेपी ने अच्छी मार्केटिंग की, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज उनको मिला, आज नीतीश जी सेकंड फिडल बन गए हैं बिहार में। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल है अतुल, क्या सचमुच इस चुनाव के बाद हम कह सकते हैं कि बिहार के राजनीति में जाति का जो भूमिका है ये थोड़ा बहुत कम हो गया? आप जैसे कहा कास्ट प्लस, सब कहते हैं हाँ बिहार में जातिवाद बहुत ही महत्वपूर्ण है, मगर हम देख रहे किस तरह से अलग अलग मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, शिक्षा, स्वास्थ्य, और ये सारे मुद्दा सिर्फ तेजस्वी नहीं, बार बार नीतीश जी खुद
भारतीय जनता पार्टी बोलते हैं डेवलपमेंट एजेंडा, डेवलपमेंट। मेरा सवाल यह है कि सचमुच क्या बिहार के राजनीति में ये जो हम अंग्रेजी में कहते आइडेंटिटी पॉलिटिक्स थोड़ा बहुत कमजोर हो गए कि नहीं? ये पहला सवाल। और जो आखिरी सवाल, ये बिहार की जो नतीजा विधानसभा का नतीजा आया है, भारतवर्ष की राजनीति में क्या असर पड़ सकते हैं आने वाले दिनों में, आने वाले हफ्ते महीना साल? ये दो सवाल, माय लास्ट टू क्वेश्चंस टू यू। जी सर, पहले प्रश्न का ये जवाब है मेरा। कन्वेंशनली निश्चित रूप से आइडेंटिटी पॉलिटिक्स चेंज हुई है, वो जो एक तरीका था, पैटर्न था, वो चेंज हुआ। लेकिन ये कहना खत्म हो गई है, ये मतलब अभी भी इट विल बी टू अर्ली, ये रिसेट के मोड में है। अब ओवैसी की पार्टी का वहां से सीमांचल क्षेत्र से पांच सीट मिलना एक अनप्रेसिडेंटेड चीज थी बिहार के लिए, क्योंकि पहले के इलेक्शन में जब भी वो खड़े हुए थे वहां पे कुछ 100 वोटें उनको आती थी, और जो उनके अलायंस के की पार्टनर थे उपेंद्र कुशवाहा, जो कि एक बहुत बड़े फेस रहे हैं जेडीयू में पहले, ही ड्रू ए ब्लैंक, एक सीट भी उनको नहीं मिली। तो एक कुछ सरप्राइजिंग चीजें हुई, जैसे माइनॉरिटी साइड में कंसोलिडेशन नहीं हो पाया वोट का, महागठबंधन की हार का एक बहुत बड़ा कारण था वो, या कांग्रेस का जो डिस्मल परफॉर्मेंस हमने देखा है 26% उनका मतलब कन्वर्जन रेट है, 70 में से 16 सीटें मिली है उनका। तो एक एक ये चीज है, मैं इसको ये कहना चाहूंगा, ये रिसेट मोड में है, ये खत्म नहीं हुआ है, लेकिन प्रोग्रेसिव बिहार की पॉलिटिक्स और हुई है पहले से ज्यादा, और जो जनरेशन, यंग जनरेशन जो पॉलिटिक्स को अब लीड करने जा रहे हैं, जो लोजपा का भी इनफैक्ट उनका सीट नहीं आया ज्यादा, लेकिन जो कैंपेन था एक एंगल तो था उनका, जो एक उनका अपना कुछ था जो हिडन गोल था, लेकिन सेकेंड पार्ट जो था बहुत ही अच्छा कैंपेन था, बहुत ही पॉजिटिव कैंपेन था चिराग का भी, और उन्होंने बिग बैंग रिफॉर्म्स करने की बात कही, वर्ल्ड क्लास स्टेडियम, फिल्म सिटीज, जो चीज सुनना चाहते थे वहां के यूथ वो सब उन्होंने कहा। तो एक एक चीज ये है। दूसरी बात, एक पैटर्न, एक चीज हमने शायद डिस्कस नहीं किया, वो है लेफ्ट फ्रंट का कंसोलिडेशन होना वहां पे, या इमर्ज करना। 29 में से 17 सीटों पे वो मतलब जीते हैं इस बार, सीपीआईएम माले का स्पेशली बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा है वहाँ। लोग कहते हैं कि 10 सीट यदि उनको और ज्यादा मिला होता तो कुछ और रिजल्ट होता, या जीता राम मांझी और मुकेश साहनी जो कि अंतिम समय में महागठबंधन से निकले हुए थे, ऑलमोस्ट 2 दिन पहले निकले हुए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस से वो वॉकआउट कर गए थे, यदि वो दोनों भी रहते और कांग्रेस का सीट 10 और कम होता तो आज महागठबंधन का 140-145 ऊपर होता जो एग्जैक्ट फिगर था। ये मैंडेट कम्प्लीटली नीतीश कुमार के अगेंस्ट में गया है, ये उसके पीछे लेफ्ट का इमरजेंस या मल्टीपोलराइजेशन का एक इफेक्ट था। ओवरऑल आप इंटरप्रेट करें तो ये मैंडेट नीतीश को लेके नहीं है कहीं से भी, और ये सब चीजें फैक्टर है इसमें। रही बात देश की राजनीति पे इसके प्रभाव का, यदि नीतीश कंटिन्यू करते हैं एनडीए में तो ये एक रिफॉर्मेशन है फिर से मोदी जी के नेतृत्व का यहाँ पे, और बंगाल का इलेक्शन आने वाला है, असम का इलेक्शन भी मतलब इस राउंड द कॉर्नर, तो ये बीजेपी के फेवर में जाएगी, या जो एक मूड है या जो मतलब मूड हमें दिखाई देता है ऑप्टिक्स के थ्रू उसके हिसाब से वो हेल्पफुल होगा। लेकिन नीतीश कुमार जी अनप्रेडिक्टेबल नेचर के पॉलिटिशियन रहे हैं, उनका जो ट्रैक रहा है, और यदि वो रिकंसिडर करते हैं, क्योंकि 24 घंटा उन्होंने लगाया है एक्सेप्ट करने में अपनी इस वर्डिक्ट को, अभी जब मोदी जी ने बोलना शुरू किया तब उन्होंने जाके एक्सेप्ट किया उनके नाम लेने के बाद वो चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं, तो बहुत ही मेटिकुलस नेचर के हैं, बहुत ही संभल के करते हैं काम। यदि वो शिफ्ट करेंगे इस एनडीए से तब भी उनके लिए गोल्डन फ्यूचर है। तो नीतीश कुमार जी का विन विन सिचुएशन है, भले ही मैंडेट उसके अगेंस्ट में है, तो राजनीति के चाणक्य की है वो, उन्होंने अपना काम ठीक से निकाला है। धन्यवाद, धन्यवाद अतुल, धन्यवाद। समय बताएंगे नीतीश कुमार जी का राजनीतिक भविष्य कितना उज्जवल है या नहीं है, ये समय बताएंगे। आपका समय आपने न्यूज क्लिक का दर्शक को दिया, इसके लिए एक बार और धन्यवाद दे रहा हूं। और आप लोग जो अतुल ठाकुर जी का बातचीत सुना, आप लोग देखते रहिए न्यूज क्लिक। धन्यवाद, नमस्कार।